हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पुरानी टॉवल या कोई भी पुरानी टी शर्ट का रीयूज़ करके आप घर के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं जो कि आपके काम आएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टी शर्ट ली हुई है जो कि यहाँ से थोड़ी सी कट गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी डैमेज हो गई है। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पुरानी टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप इस तरीके की कोई भी मोटी टी शर्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे अच्छे से और फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे और ये नेक और स्लीव वाला एरिया हम निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये वाला हमें पार्ट लेना है और इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है उसकी। और अब हमें यहाँ से ये जो दोनों साइड सिलाई है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है नीचे वाला पार्ट, और यहाँ पे हमें एक मार्क देना है सर्कल शेप का। ये देखिए, यहाँ पे हमें एक मार्क लगाना है इस तरीके से और फिर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, सर्कल शेप में इसको हम बिल्कुल सेंटर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से कटिंग करनी है इसकी, और ये इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में आएगा सर्कल। ये देखिए, और अब हमें दूसरे साइड से जो दूसरा साइड हमारा स्टिच है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा साइड हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। और इस तरीके से ये बराबर कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे यहाँ से ऊपर की ओर 4 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 4-4 इंच छोड़कर हमें यहाँ पे निशान लगाना है दोनों साइड में, और फिर हमें इसको उल्टा करके यहाँ से जितनी हमने निशान लगाया हुआ है उतना हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगाया है और इतनी दूर हम इसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी इसको सिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुई धागे से ही इसको अच्छे से टाइटली स्टिच कर दिया है। और इसी तरीके से दोनों साइड में हमें अच्छे से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों कपड़े को बराबर में रख कर इसकी स्टिचिंग कर लें अच्छे से। और आप चाहें तो इसको मशीन से भी अच्छे से सिल सकते हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई करनी है इसकी।
और फिर उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये इसका कुछ बनकर रेडी होगा। ये हमने कॉर्नर भी इसको निकाल दिया यहाँ से, और अब हमें दोनों पार्ट को अच्छे से एक साथ रखना है, बिल्कुल बराबर से, इधर उधर नहीं होना चाहिए, और इसमें इस तरीके से रखना है इसको। और फिर हमें यहाँ से नीचे की ओर से जहाँ तक हमने निशान लगाया है और जहाँ तक हमने स्टिचिंग की है वहाँ तक नीचे की ओर से हमें इसको कट करना है और इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी है। ये देखिए इस तरीके से आप 2 या 1.5 इंच की स्ट्रिप्स यहाँ पे कट कर सकते हैं। और इसको अच्छे से आप जितनी पतली स्ट्रिप्स रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसको कटिंग कर सकते हैं, और आप चाहे तो और भी इसको पतली स्ट्रिप्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी ना पतली बना रही हूँ ना ज़्यादा चौड़ी बना रही हूँ, इस तरीके से बिल्कुल मीडियम में बना रही हूँ। और ऊपर ध्यान रखें कि जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें कटिंग करनी है, वहाँ से कटिंग नहीं करनी है आगे। और इस तरीके से सारे कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए मैंने सारी स्ट्रिप्स कट कर ली है, और इस तरीके से अब दोनों पार्ट्स को हमें इस तरीके से निकाल लेना है। ये एक दूसरे में अच्छे से चिपके हुए हैं तो इसको थोड़ा निकाल लें हम। और ये हमारी खूब ज़्यादा सी स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो गई है, ये देखिए यहाँ पे। और इसको इस तरीके से ये कुछ इसका लुक आया है और ये बनकर रेडी हुआ है। आप चाहते हो थोड़ा सा इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो ये थोड़ा कर्ल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये बन गया है। और अब हमें इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। तो इसमें हमें कोई भी वाइपर हो, पुराना वाइपर हो या तो फिर पुराना कोई ब्रश वाला, रॉड वाला, आपको सफाई करने वाला हो तो अगर उसको आप यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप इसको उसमें लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे पुराने वाइपर का यूज़ किया है और इस तरीके से मैं उसको इसमें फ़िट करूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से फिट हो गया है और बहुत ही ईजली आप इसको बना सकते हैं और बिना कोई भी खर्चे के। और इस तरीके से ये हमारा मॉप टाइप बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए। और आप इसे बहुत ही ईजली घर की सफाई कर सकते हैं और आप इसको बहुत ही ईजली बना भी सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है। और आप इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये बनकर रेडी हो जाएगा। आप जब भी इसको बनाएं तो थोड़े मोटे कपड़े से ही बनाएं जिससे कि हमारे घर की सफाई अच्छे से हो जाए और बिल्कुल ईजली ये बन जाएगा। तो गाइज़ ये वाला वीडियो पसंद आया तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आया है, तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको पानी में डालना है और इसको सोक कर देना है, और फिर उसके बाद इस तरीके से फर्श पे अच्छे से, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये क्लीनिंग करेगा आपके घर की। ये देखिए इसको इस तरीके से यूज़ करना है और अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।